myself Nidhi Jain and welcome to my channel Fashana. First of all, very happy Diwali to all of you. I have shared so many starters and snacks recipes to be prepared on Diwali with you, but haven't made meetha till yet. So thought of making some delicious traditional meetha with a twist. I have prepared khajur firni in brown rice. Hai na interesting? Khajur firni hai brown rice mein hai. तो इस मीठे को खाने से ना तो आपका वेट बढ़ेगा और ना ही कैलोरीज की आपको चिंता रहेगी। साथ में शुगर फ्री मीठा है, बहुत टेस्टी है, यमी है। और इस मीठे के जितने भी बेनिफिट हैं, वो मेरी फेलो यूट्यूबर फ्रेंड डाइटिशियन उज्ज्वला बख्शी आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो एक डाइटिशियन की भी जब रेसिपी पे मोहर लग जाएगी तो आप इसे गिल्ट फ्री होके एनी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू उज्ज्वला फॉर रिलिशिंग माई रेसिपी and explaining the benefit of the recipe to my viewers too. Hope you will enjoy this video and over to you. Thank you Nidhi for inviting me to your channel Swadshala and share more about this recipe which is so unique and I love firni and if I were to eat firni I would definitely use this recipe because I don't want my weight to shoot up after I eat it. So Nidhi and myself we have come up with this brown rice firni which is high which is going to keep the sugar in control because humne chini ke badle mein completely chini ko replace kar diya hai aur dates use ki hai usko meetha karne ke liye. Generally firni banti hai safed chawal basmati rice se, humne brown rice ka istemal kiya hai which is also different and I'm telling you it is going to be very tasty. So maybe the henceforth whenever you would make firni you would always want to make it in this manner. हमने रोज पेटल्स का इस्तेमाल किया है एंड सम रोज वाटर इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट बिकॉज रोज बाय इटसेल्फ द रोज वाटर द रोज एक्सट्रैक्ट हेल्प्स टू कूल डाउन द सिस्टम. जब हम इतना तीखा तला गला खाते हैं एंड स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज व्हाट हैपेंस इज हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम टॉस पे चला जाता है. ओके सो here we wanted to cool down our system and that's why we thoughtfully added the gulab jal into this recipe to cool your system down and anyways the brown rice by itself is also going to be cooling and we have used some nuts such as pistachios which add to the color of course but at the same time pistachios almonds and walnuts they are going to be very high on magnesium. So जो थकान होती है दिवाली के टाइम की वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है जो फेस्टिवल की वजह से आता है हमें पूजा करनी होती है टाइम से वी हैव टू फॉलो द मुहूर्त. सो टू डील विद दैट स्ट्रेस वी हैव एडेड मैग्नीशियम रिच नट्स ओके पिस्ताचियोज आमंड्स डाले हैं. वी हैव यूज काउज मिल्क यू कैन यूज लो फैट मिल्क और टोन्ड मिल्क सो दैट द फैट परसेंटेज कैन बी कंट्रोल्ड इन दिस फिरनी और एंड ओवरऑल क्योंकि अलग अलग चीज़ें खाते हैं तो एनी वेज फैट परसेंटेज हमारे डाइट का बढ़ जाता है एंड यू नो द टाइप ऑफ फैट वी एंड अप ईटिंग इज मोस्टली सैचुरेटेड फैट बिकॉज दूध दही डेयरी का कंजम्पशन इतना होता है बिकॉज ऑफ द यू नो योर ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिठाई सो सब में घी इस्तेमाल किया जाता है सैचुरेटेड फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स सो यू वॉन्ट टू कीप योर कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल एंड दैट्स वाई वी हैव यूज काउज मिल्क. सो इट्स अ वेरी थॉटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रीडियंट्स दैट वी हैव कम अप इन ऑर्डर टू मेक द फिरनी यूनिक एंड हेल्थियर सो दैट पीपल जिसने इतनी मेहनत की है वजन कंट्रोल करके रखने के लिए अपनी उस ड्रेस में फिट होने के लिए दिवाली के टाइम पे कि येस आई वॉन्ट फिट इन टू दिस ड्रेस सो यू डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल द एंटायर रिदम ऑफ योर यू नो हेल्थ मैनेजमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइव डेज ऑफ ईटिंग एंड फीलिंग गिल्टी आफ्टर ईटिंग. सो ट्राई दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. सो ओवर टू निधि टू शेयर द रेसिपी. Thank you Ujwala for explaining so beautifully the benefit of this recipe. So this fat to fit recipe you can enjoy anytime apart from Diwali also. और एक guilt free मीठा आप जब मन में आए तब बना के खा सकते हैं और इस रेसिपी enjoy कर सकते हैं. Ingredient list मैंने आपके साथ share कर दी है, आप screenshot लेके preparation कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने 50 grams of brown rice लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से पानी से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है. ये 15 डेट्स हैं, इसको भी मैंने पानी से अच्छे से धोया है
और उसके बाद हम इसे गर्म दूध में डिप करेंगे। आइए इसे गर्म दूध में डिप करके ढक के रख देते हैं। दूध गर्म होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि डेट्स हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अब एक घंटे के बाद डेट्स हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इसको मैंने डीसीट कर दिया है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। साथ में ये जो ब्राउन राइस है इसका भी ये पानी निकाल देंगे और फ्रेश पानी डालकर इसका भी मिक्सी के जार में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये केसर के धागे हैं जिसको मैंने गुनगुने दूध में और गुलाब जल के अंदर डिप कर रखा है। काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और वॉलनट, ये सारी मेवा है जो हम यूज़ करेंगे इस फिरनी को बनाने में। पेस्ट बनाने से पहले मैंने दूध को उबालने के लिए चढ़ा दिया। आई हैव यूज़ काउ मिल्क, यू कैन यूज़ एनी लो फैट मिल्क, इट इज़ अराउंड 750 ml। आवर डेट्स पेस्ट एंड ब्राउन राइस स्मूथ पेस्ट इज़ रेडी। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी गैस। मिल्क हैज़ कम टू अ बॉइल। रिमेंबर फ्रेंड्स, वी हैव टू कुक होल फिरनी ऑन वेरी लो फ्लेम। नाउ लेट्स एड ब्राउन राइस पेस्ट एंड स्टर इट कॉन्टिन्यूसली ऑन लो फ्लेम फॉर 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू कुक इट रियली वेल। आफ्टर 15 मिनट्स सी द मिल्क हैज स्टार्टेड थिकन। नाउ लेट्स एड सेफ्रॉन डिप्ड इन ल्यूकवॉर्म एंड 1 teaspoon ऑफ गुलाब जल, चॉप कैशूज, एलमंड्स। वी विल सेव लिटिल ड्राई फ्रूट्स फॉर गार्निशिंग। पिस्ता, दिस इज अनसॉल्टेड पिस्ता, वॉलनट्स, एंड लेट्स एड ऑल दी रेजिन्स। बहुत ही यमी, टेस्टी और शुगर फ्री हमारा मीठा तैयार हो रहा है। हमने किसी भी प्रकार की चीनी नहीं डाली है। अब मैंने यहाँ पे फाइन पेस्ट जो था हमारा डेट्स का वो ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट पकाएंगे और हमारी फिरनी तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा क्योंकि हमने डेट्स ऐड किए हैं और डेट्स ब्राउन कलर के होते हैं। बहुत ही स्मूथ क्रीमी हमारी जो फिरनी है वो तैयार हो रही है, आपको देखने में लग भी रहा होगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी 2 से 3 मिनट बाद, हम एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या इसका मीठा ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा सा तेज़ मीठा खाने का दिल करता है, तो इसका मीठा आइए टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट करके ही ये स्टेप कीजिएगा और गैस बंद करके कीजिएगा। चाहे आप इसमें हनी मिलाएं टू एनहेंस दी मीठा, मैं यहाँ हनी मिला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम लगा। मैंने 2 बड़ी चम्मच हनी मिलाया है, आप चाहें तो ग्रेट करके गुड़ भी मिला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गैस बंद करके इसे नीचे उतार के थोड़ा ठंडा करने के बाद ही आप चाहे गुड़ मिलाएं, चाहे हनी मिलाएं और टेस्ट करके मिलाएं। हमारी खजूर फिरनी जो है वो तैयार हो गई है। आइए अब हम इसे गार्निश करेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ, ड्राई फ्रूट और केसर के साथ। हमारी यमी सी खजूर फिरनी, शुगर फ्री फिरनी, गिल्ट फ्री मीठा तैयार है। आप दिवाली पे इसे बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्वास्थ्यशाला एंड पोषण, एंड डू शेयर योर कमेंट विद अस कि हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैप्पी दिवाली।